अभी हमारा एसएनटी का मेंटेनेंस के शेड्यूल में सेफ्टी सेमिनार और काउंसलिंग, ये दोनों चीज़ भी एक पार्ट है। और ख़ास करके अभी कुछ समय पहले दो घटनाएं हुई, जिसमें एक तो पूरा वायरल हुआ, जिसमें सबको पता है, न्यूज़ से अल्फा जान संजीदगी नहीं वाली सकते हैं। घटना तो हमारे अंदर ये प्रॉब्लम कहाँ से आई? हमारा प्रॉब्लम आने का एक ही मतलब कारण रहा कि अलर्टनेस अलर्टनेस की कमी, ज्ञान का तो कोई कमी नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान था, सर्किट कौन सा अल्टरेशन इंसान है कर कवर दिया, किसका उसके किया इंडिकेशन दे भी पूरा। दिया, सारा चीज़ कर दिया। कमी क्या रही? कमी रही कि सिर्फ अलर्टनेस की। हाँ तो वो भी अपने ही अलर्टनेस गलत में कम ना। से कम तीन एजेंसी से तो गलती हुआ। अच्छा एक तो उसमें एक उन्होंने लाइन और एक लिखा प्रॉपर है कि मार्किंग जब किया, स्टेशन मास्टर डिमांड हाँ करेगा उस नॉट बिलो द उसका एस तब एस सी, इरादा जो कम से कम एसएससी लेवल का आदमी उसके स्टेशन मास्टर बदलने को का था ये कंप्लाई करेगा, मतलब फिर डिस्कनेक्शन देगा कि हमने आपका ये सर्किट को गलत किया अल्टरेशन कर उसका। दिया है, आप गाड़ी गवर्नमेंट ने चलाइए, ऐसे फिर किया फिट था भी ना। एसएससी लेवल का ही डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन रहेगा। ये क्लियर कट आपके एसआर में लिखा हुआ है। तो वहां पे एसएससी लेवल में भी अलर्टनेस में कमी आई। हो उन्होंने सकता है उन्होंने डिनाई मेंटेनर पे करके भरोसा बोला करके कर दिया। जो लड़का रिले रूम में काम कर रहा था, जो मेंटेनर, क्योंकि एसएससी जी तो रिले रूम में काम नहीं कर रहा है, मे बी जी। अगर डिस्कनेक्शन भी दिया तो उसके अलर्टनेस में कमी हुई, उन्होंने भी बोल दिया कहाँ फिट हो गई। जो ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर है उसको अपनी तो करनी है, एक पोर्टर को झंडा लगा के क्लैंप लगा के पॉइंट पे रखना है, वहां भी अलर्टनेस की कमी हुई कि विदाउट सबको आपस में बात किए और ये दुर्घटना हुई। तो मान लिया जाए ये दुर्घटना में तो बच गया, उसकी जब डाटा लॉगर रिपोर्ट देखी गई, इधर से उत्कल एक्सप्रेस आ रही थी और उधर से दूसरी कोई सुपर फास्ट ट्रेन आ रही थी, 52 सेकेंड का डिफरेंस है, ओनली 52 सेकेंड, कि अगर वो पॉइंट में वो नहीं तोड़ता जाके इंडिकेशन, तो उधर वाली गाड़ी आके हेड इन कोलिजन मार देता। वो हॉर्न सिग्नल के पहले वो गाड़ी दिख गया, ड्राइवर इमरजेंसी मार के दोनों आमने सामने खड़ी हो गई, तो केस बहुत बड़ा हो जाता फिर तो। ये सब के बाद ये सारी ड्राइव है, फिर देख ही रहे हैं कि आप चिट्ठी पे चिट्ठी हो रहा है, एक से एक ड्राइव है, फोटो है, फलना है, कि यानी हमारे स्टाफ के बीच में एक अलर्टनेस जगे, प्रेशर तो है। मैं नहीं मानता हूँ कि प्रेशर कम है, बॉटम टू टॉप सबके ऊपर प्रेशर है। तो प्रेशर में हम गलती तो नहीं कर सकते ना, प्रेशर में जान तो नहीं दे सकते, प्रेशर में काम ही कर सकते हैं, और प्रेशर काम करने की ही मिलती है। क्योंकि हमारा जो एसएनटी डिपार्टमेंट है, हम कभी भी ये भ्रम में ना रहें, हमारा कभी ये भ्रम ना रहे कि हम एसएनटी डिपार्टमेंट गाड़ी चलाते हैं। नो, एसएनटी डिपार्टमेंट गाड़ी नहीं चलाता है। एसएनटी डिपार्टमेंट क्या करता है, गाड़ी की सेफ्टी देती है, ट्रेन रनिंग की सेफ्टी देती है, उसके बाद पंचुअलिटी देती है। सेफ्टी में दो चीज़ें हैं, एक हमारी सेफ्टी जो प्रायोरिटी बेस पे है, फर्स्ट सेल्फ सेफ्टी प्रायोरिटी बेस पे है, सेकेंड ट्रेन की मूवमेंट की या जो गियर्स है, जो हमारा ट्रेन का ऑपरेशन है, उसकी सेफ्टी। तो हमारी सेफ्टी का कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, हमारा सेफ्टी यार्ड में काम करते समय, कुछ भी करते समय, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करता है, यानी कि हमारी अलर्टनेस पे ही डिपेंड करता है। हम अगर अलर्ट नहीं है तो हमारा सेफ्टी उसी समय डिग्रेड हो जाएगा और कुछ भी इंसिडेंट हो सकती है जिसका कोई भरपाई नहीं है। रेल 2-4 10 लाख देके तो नौकरी दे देगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, तो वो भरपाई नहीं होता है, तो इसका कोई भरपाई नहीं है, कोई कंपनसेट नहीं है उसका। तो पहली चीज तो अपना सेफ्टी फुल देखना है, दूसरा है ट्रेन की सेफ्टी, क्योंकि ट्रेन चलाने के लिए पटरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिया, कुछ गियर्स हम दिए, इंटरलॉकिंग एक सर्किट है जो इलेक्ट्रिकली हो रहा है, उसमें गलतियां हो सकती हैं, गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको यह पता है कि हमारा जो सर्किट होता है वो 3 से 4 लेयर में फेल सेफ के कंडीशन को चेक करता है कि कोई भी फेल्योर है दैट इज सेफ साइड, यानी हमारे फेल्योर में गाड़ी कभी डिरेलमेंट नहीं होगा, हमारे फेल्योर में गाड़ी गिरेगी नहीं, हमारे फेल्योर में गाड़ी लड़ेगी नहीं। तो गाड़ी लड़ेगी गिरेगी स्टेशनटी में कब भाई? हमारे पास गाड़ी गिराने का एक जगह है, मोटर पॉइंट में भी, फेसिंग पॉइंट नॉट ट्रेलिंग पॉइंट। अगर किसी कारण से भी पॉइंट के गैप में, पॉइंट गैप कंडीशन में हमने लॉक और इंडिकेशन दे दिया, तभी वो गाड़ी गिरेगी। उसमें भी हमारा वो आदमी जो स्किल्ड नहीं है वो नहीं दे पाएगा। आपको पता होगा कि हमारा जो लॉक पॉल अंदर जाता है, लॉक पॉल और जो स्लाइड में ग्रूप बना रहता है, दोनों के बीच में जो ट्रू नॉच है उसमें 5 mm का ही टॉलरेंस है, जो 5 mm का स्लाइड पास होने के बाद जाता है, उससे अधिक टॉलरेंस हम नहीं रखते हैं ट्रू नॉच में।
तो अगर ज़्यादा गैप रह जाएगा तो स्लाइड को छेड़छाड़ करके हमारा कोई अनस्किल्ड आदमी उसको गैप में इंडिकेशन नहीं दे सकता है, अनलेस एंड अनटिल हम जाके उसके तार को 24 वोल्ट को बाईपास ना करें। वो कोई स्किल्ड आदमी कर सकता है कि पॉइंट गैप है, फेल है, आधा है, पूरा है, और हमने जाके उसको 24 वोल्ट तक इंडिकेशन दे दिया। यानी कि वो सब हमारी एक ही है, जो बड़ी ह्यूमन एरर अगर हम करेंगे तो गाड़ी को गिरा सकते हैं। दूसरा, अंडर व्हील ट्रेन ऑपरेशन करा दें, सॉरी अंडर व्हील पॉइंट ऑपरेशन करा दें, वो भी हमारा जो अनस्किल्ड आदमी है, जो कम जानकार है, वो नहीं करा सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो हमें जो सबसे बड़ी अलर्टनेस रखनी है कि हमारा फेसिंग पॉइंट में ट्रेन मूवमेंट के डायरेक्शन में हम आँख मूंद के ये कहें, खास करके मेरा सेक्शन इस मामले में हम सौभाग्य मानते हैं कि बेहतर है, कि हमारा मैक्सिमम मेंटेनर ये कहता है कि सर आप टेस्ट पीस लगा लीजिए, फेल नहीं होगा। अच्छा भी लगता है, बहुत कम ऐसे चांस आए जो हुआ, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं है। इंडियन रेलवे में बहुत तकलीफ में रहता है पॉइंट को लेके। तो ये एक जिम्मेदारी वाली जो बात मन से आती है कि हाँ आप, मेरा पॉइंट फेल नहीं होगा सर, जो भी हो जाए पॉइंट फेल नहीं होगा। यस, एक चीज़ है हम गाड़ी गिराने से बचा लिए। दूसरा चीज़ है कि कभी भी पॉइंट जोन की ट्रैक सर्किट को बाईपास ट्रेन मूवमेंट में नहीं करेंगे। ये चीज़ें एक तो हमें ध्यान में रखना है, इसके लिए मुझे हाई अलर्टनेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें एक ध्यान में रखने वाली बातें आ जाती है। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम गाड़ी कब, एक हॉर्स कंडीशन आता है एसएनटी का, हम गाड़ी लड़ा सकते हैं। अब इसके बाद गाड़ी गिरा हम कहीं नहीं सकते हैं, गाड़ी लड़ा जरूर सकते हैं जब हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में कुछ दाएं बाएं कर दी या कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल में दाएं बाएं कर, उसके लिए हाई स्किल्ड की ज़रूरत है। नॉर्मल स्किल्ड वाले हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल को नहीं दे पाएगा कभी, उसमें बहुत लेयर पे हम सर्किटरी लग बना के रखते हैं। और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में अगर हमने कोई मैन्युअली इलेक्ट्रिकली छेड़छाड़ किया तभी दो गाड़ी को एक लाइन में भेज सकते हैं, तो वो भी बहुत रेयर केस है। तो इस हमारा एसएनटी गियर इतना सेफ है, सेफ्टी कैटेगरी में है, तो फिर क्यों, क्या समस्या, गाड़ी तो गिरना नहीं चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर ये सब समस्याएं आती हैं तो एक ही दोष है, हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है और प्रेशर में अपनी अलर्टनेस को भूल जाते हैं। रिस्पॉन्स होता क्या है कि देखिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आता है, तो ये हमारा आज का छोटा सा सेमिनार था जो आप लोग को समझाने का था। अगर आप रेलवे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और सीखना चाहते हैं रेलवे सिग्नलिंग के बारे में सब कुछ, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट www.chandramouleshwar.com और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और जुड़िए हमारे कोर्सेज के साथ। आपको मिलेगा हर एक मॉड्यूल की अलग अलग कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल फी में। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में।